कुमार। लास्ट क्लास हमने सीखा था पार्टिकल्स के करेक्टरिस्टिक्स, आज हम सीखेंगे रिजिड एंड फ्लूइड्स क्या होते हैं, ठीक। और उसके बाद पार्टिकल्स का, सॉरी उसके बाद मैटर का क्लासिफिकेशन, ठीक। तो रिजिड क्या है? रिजिड्स आर दो सब्सटेंस विच आर इनफ्लेक्सिबल और अनबेंडेबल, मीन्स ऐसे सब्सटेंस जिनको हम बैंड नहीं कर सकते और उनके शेप को हम चेंज नहीं कर सकते। इनफ्लेक्सिबल जो होते हैं उन्हें क्या बोलेंगे हम? रिजिड। जैसे मार्कर, ये क्या है, इसको बैंड नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा तो बैंड हो जाएगा, ब्रेक भी हो जाएगा। तो ऐसे तो सारे सॉलिड ब्रेक हो सकते हैं। जनरली क्या है, ऐसे सब्सटेंस जो बैंड नहीं हो सकते और इनफ्लेक्सिबल होते हैं उसे बोलते हैं हम रिजिड्स, ठीक। अब रिजिड होते क्या है? सारे के सारे सॉलिड क्या होते हैं? रिजिड होते हैं। जैसे मार्कर, स्टोन और डस्टर, आयरन, नेल, ये सारे के सारे क्या है? रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर। अब फ्लूइड्स क्या है? फ्लूइड मीन्स मटेरियल विच कैन फ्लो इजली, जो फ्लो हो सकते हैं, ठीक। अब जब फ्लो हो सकते हैं तो उनको स्टोर करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? वेसल चाहिए होगा, कंटेनर चाहिए होगा। जैसे हम बोले वाटर, तो वाटर को स्टोर करने के लिए हमें कोई ना कोई वेसल तो चाहिए होगा, अदरवाइज वाटर क्या हो जाएगा? फ्लो के निकल जाएगा। सिमिलरली गैसेस हैं, गैसेस भी बहुत ईजिली फ्लो हो सकते हैं, तो गैसेस को स्टोर करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? कंटेनर चाहिए होगा, ठीक। तो जो लिक्विड और गैस है वो फ्लूइड फॉर्म है और जो सॉलिड है वो रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर है, ठीक। इसको आप नोट कर लीजिए, बड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। देखो, मैटर को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक फिजिकल स्टेट के बेस पर और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर, दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर। तो अभी जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें केवल हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर क्लासिफाई करना है। केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर कैसे क्लासिफाई करते हैं उसको हम स्टडी करेंगे सेकेंड चैप्टर में, ठीक। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल स्टेट मैटर कैन बी क्लासिफाइड इन थ्री ग्रुप्स, फर्स्ट सॉलिड, सेकेंड लिक्विड, थर्ड गैस। अब सॉलिड क्या होते हैं, लिक्विड क्या होते हैं, गैस क्या होते हैं, इनके प्रॉपर्टी हम एक एक करके स्टडी करेंगे। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। आइस, वुड, कोल, स्टोन, आयरन, ब्रेक, ETC आर सम ऑफ द कॉमन सॉलिड्स अराउंड अस। द सॉलिड्स हैव द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज, मीन्स सॉलिड्स की कुछ करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज हैं, ठीक। फर्स्ट, सॉलिड्स हैव ए फिक्स्ड शेप एंड ए फिक्स्ड वॉल्यूम। जो सॉलिड है, सॉलिड का शेप फिक्स होता है और सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है। जैसे मार्कर है, इस मार्कर का शेप फिक्स है और इसका वॉल्यूम भी फिक्स है। तो जब इसका शेप फिक्स है और इसका वॉल्यूम फिक्स है तो सब क्या बोलेंगे? सॉलिड, ठीक। और कोई से भी आप सॉलिड है, सारे सॉलिड के शेप फिक्स हो गए, सारे सॉलिड के वॉल्यूम फिक्स हो गए, ठीक। जैसे हम बोले बुक ले लें, बुक का शेप फिक्स है, उसका वॉल्यूम फिक्स है। ब्रिक ले लो, ब्रिक का शेप फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स है। तो ये सारे के सारे क्या है? सॉलिड्स। सेकेंड प्रॉपर्टी, सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, मीन्स सॉलिड को बहुत ज़्यादा हम कंप्रेस नहीं कर सकते। इसको भी एक एक्टिविटी से भी समझेंगे हम। जैसे मार्कर है तो उसको बहुत ज़्यादा हम कंप्रेस नहीं कर सकते। थर्ड, सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटीज, दे आर हैवी। डेंसिटीज क्या होते हैं? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब है कि पर यूनिट वॉल्यूम का मास क्या होगा। जैसे हम बोले कि हम 1 मीटर क्यूब सॉलिड ले लें और 1 मीटर क्यूब के ले लें लिक्विड ले लें और 1 मीटर क्यूब के ले लें हम गैस ले लें, तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो सॉलिड, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, लिक्विड ले लें,
1 मीटर क्यूब सॉलिड लिया और 1 मीटर क्यूब लिक्विड लिया और 1 मीटर क्यूब के लिए दिया हमने गैस लिया। सॉलिड का मास है 10, तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी है मास पर यूनिट वॉल्यूम और डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाई वॉल्यूम। तो सॉलिड का मास कितना है 10, वॉल्यूम कितना है 1, तो सॉलिड की डेंसिटी कितनी हो जाएगी 10। इसी तरीके से हम लिक्विड देंगे, लिक्विड की डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम से लिक्विड का मास 5 ग्राम और वॉल्यूम कितना 1 मीटर क्यूब, जिसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी 5। इसी तरीके से गैस की डेंसिटी क्या हो जाएगी, तो डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम और डेंसिटी का फॉर्मूला होता है एम बाई बी। तो जो सॉलिड्स होते हैं सॉलिड्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है, हाई होती है, लिक्विड की डेंसिटी मॉडरेट होती है और गैसेस की डेंसिटी बहुत कम होती है। नेक्स्ट, सॉलिड्स डू नॉट फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली, इसका मतलब क्या है कि जो सॉलिड है अपने कंटेनर को कम्प्लीटली फिल नहीं करते। सपोज करो ये सॉलिड है, इसको मैं एक बकेट में डाल दूँगा, पूरा बकेट फिल हो जाएगा क्या, पूरा बकेट फिल नहीं होगा। लेकिन यदि उसी हम यहाँ पर बोले बकेट को क्लोजली पैक करके गैस डाल दें, तो गैस क्या करेगा, पूरे बकेट को फिल कर लेगा। ठीक, तो जो गैसेस हैं वो टोटल वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करते हैं, होल कंटेनर को फिल कर लेते हैं, बट लिक्विड और सॉलिड पूरे कंटेनर को फिल नहीं करते। नेक्स्ट, सॉलिड्स डू नॉट फ्लो, हम पीछे सीख चुके हैं सॉलिड्स क्या है, रिजिड रिजिड फॉर्म है तो सॉलिड फ्लो नहीं हो सकते। सब बुक है तो बुक फ्लो हो सकते हैं क्या, बुक फ्लो नहीं हो सकती बिकॉज ये क्या सॉलिड फॉर्म है। यदि सपोज करो हम लिक्विड डालते हैं वाटर, वाटर तो फ्लो हो सकता है ना, तो वाटर और गैस मीन सॉरी लिक्विड और गैस क्या है, फ्लूइड फॉर्म है जो फ्लो हो सकते हैं, सॉलिड क्या है, रिजिड फॉर्म है जो फ्लो नहीं हो सकते। इसका नोट कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स, वाटर, मिल्क, फ्रूट, जूस, इंक, ग्राउंडनट ऑयल, कैरोसिन एंड पेट्रोल ईटीसी आर सम ऑफ द कॉमन लिक्विड्स। द लिक्विड्स हैव द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज, अब लिक्विड्स के कुछ करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज हैं। लिक्विड्स हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम बट दे हैव नो फिक्स्ड शेप, लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ द वेसल इन विच दे आर प्लेस्ड। तो जो लिक्विड्स है लिक्विड्स के वॉल्यूम तो फिक्स्ड है बट लिक्विड के शेप फिक्स नहीं है। लिक्विड उसी कंटेनर का शेप ले लेते हैं जिस कंटेनर में आप लिक्विड को डालोगे, जैसे वाटर है, वाटर को हम बकेट में डालेंगे तो बकेट का शेप ले लेगा, उसको बोतल में डालोगे तो बोतल का शेप लेगा, उसमें उसको ग्लास में फिल करोगे तो वो ग्लास का शेप लेगा। तो कोई सा भी लिक्विड वो शेप ले लेगा जिस कंटेनर में उसको हम डाल रहे हैं। ठीक, तो लिक्विड के केस में क्या होता है, वॉल्यूम तो फिक्स होता है बट उनके शेप फिक्स है नहीं होता। सेकेंड, लाइक सॉलिड्स लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, तो जैसे हम सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते उसी तरीके से हम लिक्विड को बहुत ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते। लिक्विड्स हैव मॉडरेट टू हाई डेंसिटी, दे आर यूजुअली लेस डेंस देन सॉलिड्स, तो इनकी डेंसिटी क्या होती है, मॉडरेट से हाई की तरफ जाती है। जनरली इनकी डेंसिटीज क्या होती है, सॉलिड से कम होती है। लिक्विड्स डू नॉट फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली, लिक्विड के केस में भी क्या होगा कि वो अपने कंटेनर को कम्प्लीटली फिल नहीं करेंगे। जैसे हम एक ग्लास वाटर को बकेट में डाल दें तो पूरा बकेट फिल हो जाएगा क्या, नहीं फिल होगा। लिक्विड्स जनरली फ्लो ईजली, तो हम सीख चुके हैं लिक्विड और गैसेस बहुत जनरली बहुत ईजली क्या हो सकते हैं, फ्लो हो सकते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए फिर हम गैस के करेक्टरिस्टिक्स सीखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, एयर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड स्टीम ईटीसी आर सम ऑफ द कॉमन गैसेस। द गैसेस हैव द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज, कुछ गैसेस की करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज गिवन है। फर्स्ट, गैसेस नाइदर हैव ए फिक्स्ड शेप नॉर ए फिक्स्ड वॉल्यूम, गैसेस का ना तो शेप फिक्स होता है गैसेस का ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है। शेप देखो, गैस को हम किसी भी शेप में फिल करेंगे उस शेप में लेंगे, जैसे हम टायर में फिल करें तो टायर का शेप लेगा, बैलून में फिल करें तो बैलून का शेप लेगा। बैलून भी बहुत टाइप के शेप के आते हैं, तो जिस टाइप के बैलून में फिल करोगे उसी टाइप का वो शेप लेगा। और लिक्विड्स का वॉल्यूम भी फिक्स है। गैसेस एक्वायर द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ द वेसल इन विच दे आर कैप्ड,
तो गैसेस के केस में क्या होगा, उसी कंटेनर का शेप ले लेंगे और उसी कंटेनर का वॉल्यूम ले लेंगे जिस कंटेनर में हम उसको फिल करने जा रहे हैं। गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली, गैसेस को हम कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस करने का मतलब क्या, उस पर जब हम फोर्स लगाएं तो क्या हो जाएगा, वो हल्का सा उसका वॉल्यूम श्रिंक कर जाएगा। जैसे बैलून को हम हल्का सा कंप्रेस करते हैं, फोर्स लगाते हैं तो श्रिंक कर जाता है लिक्विड। सॉरी, गैसेस हैव वेरी लो डेंसिटीज, गैसेस की डेंसिटीज बहुत कम होती है। दे आर वेरी वेरी लाइट, ए गैस इज मच लाइटर देन द सेम वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड और ए लिक्विड। गैसेस बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं, उनका मास सॉलिड और लिक्विड से बहुत कम होता है। गैसेस फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली, जिस भी कंटेनर में गैस को डालोगे वो कंटेनर को गैस कम्प्लीटली फिल कर लेगा। ठीक, नेक्स्ट, गैसेस फ्लो इजिली, गैसेस बहुत इजिली फ्लो हो सकते हैं। ठीक, तो गैसेस के प्रॉपर्टीज आप इसको नोट कर लीजिए। अब हमें एक्टिविटी से जस्टिफाई करेंगे कि जो लिक्विड और सॉलिड होते हैं वो बहुत इजिली कंप्रेस नहीं हो सकते, बट गैसेस बहुत इजिली कंप्रेस हो सकते हैं। करना क्या है, सिरिंज लेना है, इंजेक्शन लेना है, इंजेक्शन का पीछे का पिस्टन निकाल देना है। तीन इंजेक्शन लेने, तीनों के पीछे के पिस्टन क्या करने में निकाल देना है। ठीक, और नीचे जो उसका मतलब एग्जिट पॉइंट वहाँ पर क्या कर देना है, रबर कॉर्क लगा देना है, जिससे कि जो भी हम इंजेक्शन में डालें वो लिक्विड या फिर सॉलिड या फिर गैस बाहर न निकले। ठीक, डायग्राम में देख पा रहे हैं उसको रबर कॉर्क से हमने क्या कर दिया, उसको क्लोज कर दिया। ठीक, और फर्स्ट सीरीज में हमने क्या डाल दिया, सीरीज में कॉमन सॉल्ट डाल दिया पाउडर के फॉर्म में, सेकेंड में डाल दिया हमने वाटर, थर्ड में क्या डाल दिया, एयर डाल दिया। ठीक, अब उसके बाद हमने क्या किया, वापस से उनके पिस्टन लगा दिए। ठीक, और थोड़ा सा हमने पिस्टन लगा दिया, गैस भी अप्लाई कर दी जिससे थोड़ा सा फ्रिक्शन कम हो, स्मूथली मूवमेंट हो सके। पिस्टन वापस लगाने के बाद हमने क्या किया, सारे सीरीज को वापस से क्या किया, पिस्टन के ऊपर 50 ग्राम वेट डाला। जब वेट डालोगे तो वेट वे से क्या होगा, प्रेशर अप्लाई होगा। ठीक, तो पहले सीरीज में हमने क्या देखा, सीरीज में कि जो पिस्टन है बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नीचे मूव नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो गैस जो सॉलिड है वो क्या है, कंप्रेसिबल नहीं है। सिमिलर सेकेंड वाले में हमने ये ऑब्जर्व किया कि वाटर वाले केस में भी पिस्टन नीचे मूव नहीं हुआ, तो ये तभी हुआ बिकॉज वाटर क्या है, कंप्रेसिबल नहीं है। थर्ड वाले केस में देखेंगे हम पिस्टन बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगा बिकॉज गैसेस क्या होते हैं, हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। ठीक, तो इस एक्टिविटी से क्या जस्टिफाई होगा कि जो सॉलिड्स है वो बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल नहीं है, सेम लिक्विड्स के साथ है, बट गैसेस क्या, बहुत ज़्यादा हाईली कंप्रेसिबल। ठीक,